वन पंच मैन के अंडे वाले इमोट को करो, जब इमोट हो रहा होगा तो फ्रीज करो, देखना हेड गायब हो जाएगा, फिर हैमर लेके उसके हेड को ठोको, देखना हेड वहीं से उगने लगेगा। अच्छा ओके, देखो मैं भी आ चुका हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड पे, और बातों के अनुसार मुझे भी करना है वन पंच मैन का वो अंडे वाला इमोट। ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अंडे वाला इमोट, मेरा दोस्त अभी मुझे करने वाला है फ्रीज। ओके फ्रीज तो मैं हो गया, अब मेरा हेड बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, वो हैमर से अभी मुझे ठोकने वाला है। अरे ये क्या, मेरा गायब हुआ फेस अभी देख सकते हो, इतना बड़ा हो चुका है भाई। यार हाँ, बात तुम्हारा सॉर्ट का सच है, ऐसे करने से आपका हेड यहाँ से उगने लग जाएगा, एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। न्यू ग्रुप इमोट को करो, अपने जॉयस्टिक को आगे पीछे करो, फिर देखो मैजिक। एक्चुअली आप नहीं, आपके टीममेट्स देखेंगे मैजिक, एवं मुझे इन बातों से कोई एतराज नहीं। मैं आ चुका हूँ अपने टीममेट के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड, ट्रेनिंग ग्राउंड पे मैं अभी वही ग्रुप इमोट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे वैसा कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा है। चलो अपने टीममेट को बोलते हैं वही ग्रुप वाले इमोट को करके जॉयस्टिक को आगे पीछे करने को, फिर देखते हैं क्या होता है। अरे थमजा भाई, ये तो बेब्लेड बन गया। देख सकते हो, अगर इमोट करते टाइम अपने जॉयस्टिक को आगे पीछे करोगे तो वो ग्रुप इमोट के साथ आप भी आगे पीछे होने लग जाओगे। मतलब आप भागते भागते भी एक ग्रुप इमोट दिखा रहे हो, पर ये आपको नहीं दिखता, आपके टीममेट सभी को दिखने लग जाता है। जैसे कि ये देख रहे हो, यहाँ पे मेरा दोस्त कर रहा है। तो हाँ, बात तो तुम्हारा सॉर्ट का सच है, एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। कोई भी कैप को यूज करो, फिर ग्रीन कलर का विंटर येलो हेड यूज करो, फिर कोई पांडा के बंडल को इक्विप करो, देखना पांडा का हेड। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं एक ग्रुप पे खड़ा हूँ, और यहाँ पे जैसे आपने बोला मैं एक अभी हेड पहनने वाला हूँ, फिर मैं जा रहा हूँ विंटर येलो। अब चलो कोई एक पांडा का बंडल पहनते हैं। ओके अरे इसका क्या हो गया हेड? As you can see कि पांडा के हेड पे कैप होता है जो कि टेढ़ा होता है थोड़ा सा, पर ये बिल्कुल चिपक गया है उसके हेड से। और सिर्फ ये व्हाइट वाले पांडा के साथ नहीं, वो ब्लैक वाले पांडा के साथ भी ऐसा ही हाल होता है, उनका हेड जो कैप होता है वो पूरा का पूरा टेढ़ा हो जाता है। पर इससे मैं उतना ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ जितना मैं फीमेल के बंडल से हुआ। मैं इसी सेम चीज को फीमेल के बंडल के साथ ट्राई किया, और देख सकते हो मैं कोई एक हेड यूज किया, फिर जाके रेड कलर का ऐसे विंटर कैप यूज किया, फिर मैं आ गया पांडा वाले बंडल पे, और देखो क्या हुआ। मेल वाले बंडल पे ये कैप जो होता है वो लेफ्ट साइड को थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, पर फीमेल वाले बंडल पे देख सकते हो पूरा पीछे से निकल के आगे आ रहा है, और ये बड़ा ही फनी दिख रहा है, एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। ट्रेनिंग ग्राउंड पे जहाँ पे ग्लू वॉल मिलता है उसके पीछे वाली दीवार पे जाओ, वहाँ पे जो बैरिकेड है उसके अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर डैमेज नहीं जाता। अच्छा ओके, देखो मेरा भी जो दोस्त है वो जा चुका है वो बैरिकेड के पीछे, यहाँ पे उसके सर पे देखो एम ही नहीं हो रहा है। ओके चलो फायर ही कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं उसके बॉडी को एम करके ये लो फायर कर दिया, पर कुछ भी नहीं हुआ। हाँ यार, बात तो तुम्हारा सही है, यहाँ पे मैं अभी अंदर के साइड जाके फायर कर रहा हूँ, अब देखते हैं पड़ता है कि नहीं। अरे 150 का डैमेज पड़ा। हाँ यार, बात तुम्हारा शॉट का सच है, यहाँ पे देखो दो गोली में आके अंदर मारा और सभी के सभी कनेक्ट हुए, पर अगर बाहर से मैं अंदर के साइड मारता हूँ तो बिल्कुल भी गोली कनेक्ट नहीं होता। और हाँ, सेम चीज उसके साथ भी होता है, वो भी मुझे बिल्कुल डैमेज नहीं दे सकता, एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाओ, अपना बैग फिल कर लो, फिर बैटल ग्राउंड पे जाओ, वहाँ पे आपको ग्लू वॉल नहीं मिलेंगे। ऐसा होगा क्या? यहाँ पे देखो मैं इनहेलर लेके अपने बैग को पूरा का पूरा फिल कर चुका हूँ, और मेरा बैग अभी पूरा का पूरा रेड हो चुका है, ये पूरा का पूरा अभी फिल है। तो अब वक्त आ गया है ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाने का, बैटल जोन के अंदर। चलो अब मैं आ चुका हूँ बैटल जोन के अंदर, और देख सकते हो मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक स्नाइपर ही है, यहाँ पे एक भी वॉल नहीं मिला। एक बार मरने के बाद मुझे दो वॉल मिलने चाहिए। ये लो, ये हो गया मेरा खात्मा। अब देखते हैं, मुझे दो वॉल मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ये रिवाइव। पर यहाँ पे देख सकते हो एक भी वॉल नहीं मिला। अब तो तुम्हारे बात में 100% श्योर में हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बार मरने के बाद मुझे दो वॉल मिलने ही चाहिए, पर अगर बैग फिल हो तो वो नहीं मिलते, एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म। क्लैश कॉर्ड पे जाओ, स्टेप 2 किसी भी बंदे को ईवो गन से मार दो, स्टेप 3 मारने के बाद उसके बॉडी को फायर करो, देखना गन का फायर एनिमेशन उसके बॉडी पे शो करेगा मरने के बाद भी। ओके देखो मैं अभी आ चुका हूँ ट्रेनिंग क्लैश कॉर्ड पे, और यहाँ पे मेरे अपोनेंट पे एनिमी जो है वो अभी डाउन हो चुका है, और यहाँ पे देखो वो मर भी चुका है। और चलो यहाँ पे उसको मैं फायर करता हूँ, जब उसके बॉडी से एनिमेशन निकल रहा है। हाँ यार ओके, चलो इसको फिर से एक और बार अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे ये वाले बंदे को मैंने मार दिया, और अब देखो ये बंदा पूरा पूरा मर चुका है, और फिर भी मैं जब इसके बॉडी को मार रहा हूँ तो एनिमेशन शो कर रहा है। ये तो बिल्कुल शॉकिंग खबर है, देख सकते हो बंदा मरने के बाद भी उसके बॉडी से वो एनिमेशन निकल रहा है जो कि फायर पे आता है, एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड।
स्टेप वन उकोंग लो, स्टेप टू ट्रेनिंग ग्राउंड के फाइटिंग जोन पे जाओ, स्टेप थ्री प्रोन बटन और उकोंग के बटन को एक साथ दबाओ और फिर देखो मैजिक। मैं आ चुका हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड पे और यहाँ पे मैं ट्रेनिंग ग्राउंड पे आने के बाद प्रोन और उकोंग बटन को एक साथ दबाना था, नहीं ये लो मैं दबा दिया। अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी प्रोन किया हुआ हूँ, पर उकोंग के बटन को दबाने पे हर बार वो खड़ा हो जाता है। देखते हैं अभी क्या होता है। उकोंग का देख सकते हो अभी खत्म होने वाला है और सिर्फ 20% बचे हैं और ये अभी उकोंग खत्म हो गया। अरे भाई ये बिल्कुल ही मिराकल है, क्योंकि उकोंग जब भी आप बनते हो तो वो खत्म होते टाइम वो खड़ा हो जाता है, और यहाँ पे अगर आप एक साथ प्रोन बटन और उकोंग बटन को दबाते हो तो वो स्लिप पे ही रहता है। और सबसे बढ़िया बात इसका ये है कि एनिमी आपको इजीली भी ट्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप उस टाइम सोए हुए होते हो। देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो दोस्त है वो मेरे पे फायर तो कर रहा है, पर उसका एक भी गोली मेरे बॉडी पे नहीं बज रहा है, क्योंकि मैं एक्चुअली में बैठा नहीं, मैं सोया हुआ हूँ। और हाँ, ऐसे करके आप अपने एनिमी को चौंका सकते हो और उनको ट्रैप पे अपने फंसा सकते हो। एंड हेंस द मिथ इज कन्फर्म। मैक्सिम के फूडी जैकेट पर उसका नाम गलत लिखा हुआ है, उसके खुद के जैकेट पे उसका नाम गलत। चलो ठीक है, अभी देखते हैं। यहाँ पे मैं मैक्सिम तो लिया हुआ हूँ, पर उसका जो फूडी जैकेट है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे है, क्योंकि उसका वो शायद से लेवल अप करने पे मिला था और पता नहीं वो कहाँ है। वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है और उस पर उस टाइम वेस्ट शो कर रहा था, इसलिए मैं उसको ज़्यादा पहनता भी नहीं। और ये रहा उसका फूडी जैकेट। और यहाँ पे मैक्सिम के जगह क्या लिखा है, मिक्सम। यार ये तो बेइज्जती भरी बात हो गई। देख सकते हो मैक्सिम का वो खुद का बंडल है, खुद का जैकेट उसका खुद का बंडल है, पर उस पे भी उसका नाम गलत लिखा गया है। मैक्सिम का दुख मैं समझ सकता हूँ, उसके दुख के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, हेंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। स्टेप वन, नए डायमंड रॉयल को इक्विप करो। स्टेप टू, सोशल जोन पे जाओ, वहाँ पे जो छोटा सा नया कार है उसको ड्राइव करो। अब ड्राइव तो मैं कर लूंगा, पर उसके लिए मुझे डायमंड रॉयल का बंडल चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। चलो उसके पहले स्पिन करके निकालते हैं। यहाँ पे ये रहा 100 वाला स्पिन और ये मेरा निकल गया नया डायमंड रॉयल बंडल। अब डायमंड रॉयल बंडल को इक्विप करके चलते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड पे। मैं आ चुका हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड पे और यहाँ पे ये रहा छोटा सा कार, इसको ड्राइव करने पे क्या होता है। ठीक है चलो देखते हैं। ये मैं ड्राइव कर रहा हूँ तब से, पर पता नहीं यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है। अगर आपको कुछ लग रहा है तो नीचे मुझे कमेंट पे जरूर से बताना। एंड हेंस द मिथ इज बस्टेड। क्रोनो आपको फ्लैशबैंग या फिर फ्लैश फ्रीज से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा ओके, देखो मैं अभी यूज करने वाला हूँ क्रोनो, मेरा दोस्त अभी मुझे फेंकने वाला है फ्लैश फ्रीज। देखते हैं क्या वो मुझे प्रोटेक्ट कर पाता है या फिर नहीं। यहाँ पे देखो मेरा क्रोनो एबिलिटी ऑन है और उसने फ्लैश फ्रीज फेंका और ये रहा, उसके ऊपर ही उसका खुद का फ्लैश फ्रीज यूज हो गया। जो 50 का स्टार्टिंग का डैमेज होता है वो मुझ पे ना पड़ के डायरेक्टली उसके ऊपर पड़ गया, और देख सकते हो मुझे बस छोटा छोटा डैमेज पड़ रहा है, जो फर्स्ट डैमेज से बहुत ही ज्यादा कम है। तो हाँ, फ्लैश फ्रीज से तो क्रोनो मुझे थोड़ा सा बचा लेता है। तो अब हम आ चुके हैं फ्लैश बैंक के पास, उसने मेरे ऊपर अभी फ्लैश बैंक से अटैक किया और ये उसी के पास चला गया। पर नीचे अगर आप देखोगे तो मेरा 1 HP जा चुका है, इसका मतलब क्रोनो ने मुझे फ्लैश बैंक से बाहर तो फ्लैश बैंक को फेंक दिया पर उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और अगर बात करी जाए फ्लैश फ्रीज की, तो वहां पे स्टार्टिंग का डैमेज तो नहीं पड़ा पर फिर बाद में वो मुझे डैमेज देने लग गया, इसका मतलब क्रोनो फ्लैश बैंक और फ्लैश फ्रीज से मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। एंड हेंस द मिथ इज कन्फर्म। सिर्फ प्रोन को छोड़ के इमोट का बटन भी हाइड एंड डिसेबल हो सकता है। चलो अब मैं आ चुका हूँ HUD पे और यहाँ पे सभी को पता होगा कि प्रोन वाले बटन पे हाइड एंड डिसेबल का ऑप्शन आता है, तो अभी इमोट वाले बटन पे दबाते हैं और यहाँ पर भी वही चीज दिखा रहा है। तो हाँ, सिर्फ प्रोन वाले बटन पे नहीं, इमोट वाले बटन को भी अगर आप दबाते हो तो उस पे भी आपको हाइड एंड डिसेबल का ऑप्शन आता है। फिलहाल वो कोई लोग करना नहीं चाहते, क्योंकि सबको अपना इमोट दिखाना होता है। एंड हेंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। लोन वुल्फ मोड पे सिर्फ पांडा पेटी काम करता है, सिर्फ 1% लोगों को पता है। अच्छा, मैं अभी लेके जा रहा हूँ ये नए जादू पेट को, अपना वाइगर पेट को। सो अभी चलते हैं लोन वुल्फ मोड पे। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ लोन वुल्फ मोड पे और देखो मेरे साथ मेरा वाइगर पेट भी है। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे वाइगर पेट काम कर रहा है और यहाँ पे मुझे गन मिल गए। गन मिलने के बाद वाइगर पेट काम करना बंद कर देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे अपने बैग से एक बॉल निकाल देना है, क्योंकि मेरे पास 2 बॉल है, एक बॉल मैं निकाल देता हूँ। और देख सकते हो यहाँ पे वैगर पेट अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। और ऐसे ही जो अलग अलग पेट है, मतलब कोई मशरूम को ढूंढता है या फिर कोई अपना फैल्को है, वो लोग का यहाँ पे काम कुछ नहीं होता। इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पेट्स काम नहीं करते, पर नहीं, पेट यहाँ पर भी काम करते हैं। एंड हेंस द मिथ इज बस्टेड।
स्टेप वन ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाओ, स्टेप टू ACIT गन को इक्विप करो, स्टेप थ्री डमी के ऊपर कंटिन्यूअसली फायर करो किसी भी एक पोर्शन पे, स्टेप फोर उसका डैमेज देखो हर बार चेंज होता रहेगा। अच्छा डैमेज चेंज हर बार। ओके यहाँ पे देखो मैं उसके हेड को टारगेट करके फायर करना स्टार्ट कर दिया और ये बज रहा है उसको 300, 480, 380। ये अलग अलग ऐसे क्यों बज रहे हैं? ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, पर बात तो तुम्हारा 101% सच है एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। A124 की एबिलिटी को लोन वुल्फ में यूज नहीं कर सकते। अच्छा A124 का एबिलिटी मेनली ये होता है कि वो EP को HP पे कन्वर्ट करता है, इसलिए मैंने क्या किया, मैं अपने साथ लेके आया हूँ मिगुल कैरेक्टर को और साथ ही A124। अब जब वो बंदा मरेगा तो आई एम श्योर कि मुझे मिलने वाले हैं एक्स्ट्रा EP और देखते हैं क्या वो EP HP पे कन्वर्ट होता है कि नहीं। यहाँ पे वो बंदा मेरे सामने आ रहा है और ये बजा हेडशॉट, वो बंदा भी खत्म। देख सकते हो मुझे मिल चुका है EP और EP जो है वो भी HP पे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब लोन वोल मोड पे भी A124 यूज तो कर सकता है, पर मेनली लोग इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसका फायदा कुछ नहीं होता एंड हेंस द मिथ इज बस्टेड। बंडित बंडल को पहनो और वैकर रिमोट को यूज करो और उसके फ्लेम को देखो। ओके चलो यहाँ पे मैं इक्विप कर लिया बंडित बंडल और चलो अभी वैकर इमोट को यूज करके उसकी फ्लेम को देखते हैं। ये रहा वैकर और बंडित के साथ ये रहा इमोट। अरे ये क्या, फ्लेम अपनी जगह से हिल जाए। मैं फिर से एक और बार रीप्ले करता हूँ। यहाँ पर देखो ये जब इमोट स्टार्ट होता है तो उसका जो ब्लू फ्लेम बीच में है वो साइड पे निकल जाता है। तो जिस किसी ने भी ये मिथ को पिछले एपिसोड पे दिया था, हाँ उसके लिए भी हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। इमोट करके इमोट वाले बटन को प्रेस करके रखना। फ्रीज होने के बाद कोई भी इमोट को दबाओगे तो आप घोस्ट बन जाओगे। लेट्स सी, यहाँ पे मैं इमोट कर रहा हूँ, इमोट वाले बटन को दबा के रखा हूँ, इसने मुझे फ्रीज कर दिया और ये वाह बात तो बिल्कुल सही है। देख सकते हो मैं यहाँ पे इमोट करके अपना इमोट बटन को दबाए रखा हूँ, उसने मुझे फ्रीज किया और मैं दबाया अपना इमोट बटन और देखो क्या हुआ, मेरा जो स्टाइल खड़े होने का है वो अपने आप ही चेंज हो गया। और मजे की बात तो ये है कि ये बिल्कुल घोस्ट के जैसा खड़ा हुआ है एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। उकोंग इक्विप कर लो, गेम में जाओ, वेंडिंग मशीन के पास जाओ, उकोंग एबिलिटी को ऑन करके वेंडिंग मशीन के पास जाओ, कुछ भी बाय नहीं कर पाओगे। ऐसे यहाँ पे तो मैं नॉर्मली सब कुछ बाय कर पा रहा हूँ, आप बनते हैं उकोंग। ऐसे उकोंग बनने के बाद यहाँ पे बाय का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। मजे की बात तो ये है कि ये जो सेम चीज इनहेलर के टाइम पे भी हो रहा था और हाँ उकोंग के टाइम पे भी ऐसा ही हो रहा है, शायद ये अपडेट के बाद सब कुछ चेंज हो गया है एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म। आप जितनी भी ऊंची जिपलाइन से जंप करो आपका सिर्फ 85 HP जाएगा। अच्छा ओके, मुझे नहीं लगता है ऐसा होने वाला है क्योंकि ये वाला जो ज़िपलाइन है ये बहुत ही ज्यादा ऊंचा है और इसके नीचे शायद से फैक्ट्री के ऊपर जितना हाइट है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हो मैं पूरा का पूरा हाईएस्ट जगह पे आ चुका हूँ जहाँ पे हाइट सबसे ज्यादा है। यहाँ पर नीचे ये क्या, नहीं मुझे लगता है ये शायद से थोड़ा सा छोटा जगह हो गया, मुझे कोई और जगह पे जाके ट्राई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक छोटा सा जंप लगाने वाला हूँ, ये बहुत ही ज्यादा छोटा है पर यहाँ पर भी मेरा 50 HP गया, ये कैसे हो सकता है। मैं एक और बार अलग जगह पे फिर से ट्राई करने वाला हूँ और यहाँ पर देखो फिर से मेरा 50 HP गया, ये कैसे हो सकता है। पर हाँ ये हो रहा है, दैट मीन्स कि ज़िपलाइन के ऊपर आप कितना भी लंबा छलांग मार क्यों ना लो आपका हेल्थ सिर्फ 85 जाएगा एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। शिपयार्ड पे जाओ, रास्ते पे एक ग्रीन साइन बोर्ड लगा हुआ होगा, वहाँ पे जो नेम है वो फ्री फायर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर एग्जिस्ट नहीं करते तो लिखे कैसे गए। यहाँ पे मैं शायद से वही ग्रीन बोर्ड के पास आ चुका हूँ और देखो यहाँ पे बहुत सारे नेम लिखे गए, ईस्ट वेस्ट किलोमीटर वगैरह लिखे गए हैं, पर ये कोई भी जगह मुझे फैमिलियर नहीं लगता। बी माउंटेन विलेज ये कोई भी जगह फ्री फायर में है ही नहीं और यहाँ पे लिखा गया है, तो हाँ बात तुम्हारा सॉल्ट का सच है एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। स्टेप वन बर्मुडा रीमास्टर्ड में एकेडमी वाले जगह पे जाओ, स्टेप टू फिर वो जगह पे एक फाउंटेन के पास जाओ, उधर रेक्टेंगुलर शेप के सीढ़ी होंगे जो पानी में फ्लोट कर रहे होंगे, स्टेप थ्री फिर उन पे कोई भी गन से पॉइंट करो, देखना वो रेड हो जाएंगे जैसे आपका ग्लूअल के ऊपर आता है। ओके मुझे लगता है शायद से इन्हीं की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर चढ़ने से ये पियानो जैसा आवाज देता है। चलो इनके ऊपर एम करते हैं, हाँ इसके ऊपर एम तो आता है और फायर करने पे सुनो क्या होता है, फायर करने पे भी उससे वो ट्यून सुनाई देते हैं जो इस पे एक्चुअली जंप करने पे सुनाई देते हैं एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड।
शैडो शूटर को सब्सक्राइब करो वरना सारी सारी गोली रिकॉइल हो जाएगी। अब देखो रिकॉइल अगर होगा तो एक भी पूया नहीं होगा, और संडे पे अगर एक भी पूया नहीं हुआ तो फायदा ही क्या है। तो फटाक से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पर सेट करो, और हाँ वीडियो अब तक देख रहे हो मतलब वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे एक छोटा सा लाइक करो। वीडियो पे लाइक रखते हैं 10,000 लाइक एक घंटे पे, मुझे पता है आप लोग कंप्लीट कर दोगे। और हाँ मैं मिलता हूँ एक और नए ताज़ा इंप्रेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।